हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? दिस इज सेंसिटिव अक्षय कुमार उपाध्याय, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये सिक्स डायग्राम्स प्रैक्टिस किए थे, राइट? ये छह रे डायग्राम्स है जो कि कॉनकेव मिरर से हम लोग ने बनाए थे। तो सर, ये अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? ओके, इसका कुछ नीड है हमें? यस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफाइड इमेज या फिर व्हाट डू यू मीन बाय डिमिनिश्ड इमेज। तो ये मैग्निफाई होना या फिर डिमिनिश होना किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन पे, कि वो जो भी चीज आपने ली है वो कितनी मैग्निफाइड है। सर यही तो चीज नहीं समझे, एंड दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? ये वो एक्सटेंट है जहां तक आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज या फिर इमेज का साइज इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चलो कुछ केसेस लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड केस था, थर्ड केस, ये फोर्थ केस है, ये फिफ्थ केस है और ये सिक्स्थ केस है। अगर हर एक केस के बारे में मैं डिस्कस करूं तो सब में अलग अलग टाइप के मैग्निफिकेशन थे। चलो नेचर देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा जूम करूंगा और उसके ऊपर के चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। जैसे लेट अस कंसीडर यहां पे इस केस में, दैट इज पार्ट टू वाले केस में, इमेज बहुत ही क्रिस्प है बच्चों, साथ में बनाए थे याद है ना? ओके, सो यहां पे अगर आप देखो, ये है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, राइट? ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये जो है यहाँ पे जो एरो बनाया गया है ये हमारा इमेज है, इमेज है। लेट अस कंसीडर कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसे हम लिखते हैं एच ओ, क्या लिखते हैं हम लोग? एच ओ। और जो इमेज की हाइट है लेट अस कॉल इट एच आई। अगर आप देखो यहां पे इस केस में एच ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है एच ओ इज वेरी मच ग्रेटर देन द एच आई, राइट? हाइट ऑफ द इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब होता है कि जो भी आपका इमेज बना हुआ है वो डिमिनिश्ड इमेज है। प्लीज समझो इसे कि अगर ऐसा कोई केस है, मैं लिख देता हूं यहां पे, फर्स्ट केस हम लोगों ने पिक किया है कि एच ओ इज ग्रेटर देन एच आई, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। अगर ऐसा कोई केस हम लोग ले ले तो उसमें क्या हो रहा है कि मेरा इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बन रहा है, इमेज डिमिनिश्ड है। चलो ठीक है, ये चीज तो सिर्फ देख के समझ रहे, अभी तो हम लोग ने स्टार्ट नहीं किया पढ़ना, ये चीज हमने सिर्फ देख के क्या किए, समझिए इन चीजों को, सिर्फ देख के समझिए। ठीक है सर, नोट कर लो। ओके, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज तो वो डिमिनिश्ड होता है। चलो ठीक है सर, नेक्स्ट केस लेते हैं। लेट अस कंसीडर कोई ये वाला थर्ड वाला केस है ना, थर्ड वाला केस ले लेते हैं। चलो इसमें क्या हुआ था, मैंने बोला था ये थोड़ा सा स्पेशल सा केस है। इसमें क्या हुआ था कि आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट अस कंसीडर कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा एच ओ है अगेन और हाइट ऑफ इमेज एच आई है अगेन। इस केस में क्या हो रहा था कि आपका ऑब्जेक्ट का हाइट एच ओ वॉज इक्वल्स टू एच आई, एच ओ इज इक्वल्स टू एच आई। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका जो भी इमेज है वो सेम साइज का बन रहा है, नो मैग्निफिकेशन नो डिमिनिशन, मतलब ना ही मैग्निफिकेशन हो रहा है ना ही डिमिनिशन हो रहा है। दैट मींस यहां पे जब केस ऐसा होगा कि आपका ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट सेम हो जाता है, देयर इज नो मैग्निफिकेशन ऑब्जर्व और नो डिमिनिशन ऑब्जर्व। तो ये भी एक केस हो गया, इसे भी साइड में लिख लेते हैं। ओके, इसे भी साइड में लिख लेते हैं, कहीं पे आजू बाजू में कहीं पे, यहीं पे लिख लेते हैं। चलो तो एच ओ अगर इक्वल्स टू एच आई है तो नो मैग्निफिकेशन, नो मैग्निफिकेशन, ये भी लिख लिया मैंने। इसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो नो मैग्निफिकेशन ऑब्जर्व ओवर हियर, ये भी डन है। अगर हम लोग समझो केस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट वाला केस है, एंड यही ले लेते, चलो नेक्स्ट वाला मतलब फोर्थ केस ले लेते यहां पे। इसमें अगर आप लोग देखो तो अगर मैं इसे कंसिडर करूं तो ये मेरा एच ओ है अगेन, ये मेरा एच आई है अगेन। अगर इस केस में देखो यहां पे ना ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ा है, दैट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन हाइट ऑफ इमेज। यहां पे ऐसा अगर केस हम लोग कंसिडर करें तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इमेज है वो मैग्निफाइड हो रहा है, राइट? जब केस होगा, लेट अस कंसिडर जो केस होगा एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, ओके, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं बोलूंगा कि इट इज मैग्निफाइड, मैग्निफाइड मतलब मैग्निफिकेशन दोनों टाइम पे हो सकता है, जब वो मैग्निफाइड हो या फिर वो डिमिनाइज्ड हो, राइट है?
तो ये तीनों केसेस के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे समझने के लिए कि किससे मैग्निफिकेशन ईजी हो जाए। बाय द वे ये जो 6 डायग्राम्स है, अगर आपने नहीं देखा है, वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। चलो अब मैग्निफिकेशन की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं मैग्निफिकेशन को थोड़ा डिटेल में। लेट अस जस्ट जूम इट। ओके, सो लेट अस कंसीडर कि हमारा जो मैग्निफिकेशन अब होने वाला है, ओके, वो यहां पे होने वाला है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैंने बोला आपका कि मैग्निफिकेशन तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा दिखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास छोटू यहां पे है, ओके, और इसका एक इमेज बन रहा है एक कॉनकेव मिरर में देखने के बाद, कहीं पे बन रहा है, अभी मैंने कहीं पे बताया नहीं, कहीं पे बन रहा है, और वो छोटा बन रहा है, अगर इन केस वो छोटा बन रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि वो डिमिनिश्ड हुआ है। कैसे पहचाने हम लोग, दो चीजों से पहचान सकते हैं। एक तो अगर ये कॉनकेव मिरर है, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट उससे कितना दूर है, प्लीज समझो इसे कि ऑब्जेक्ट उससे कितना दूर है। समझो ये ऑब्जेक्ट था अगर, तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसे हम डिनोट करते हैं यू से, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसके बाद ये इमेज कितना दूर है मिरर से, उसे भी मेजर करते हैं और उसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस। उसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस। एक तो इस क्राइटेरिया पे हम लोग देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना हुआ है। सेकेंड क्राइटेरिया मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि हाइट से मेजर कर सकते हैं कि इसका हाइट क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था और हाइट ऑफ इमेज क्या है। अगर इस इमेज को आप अच्छे से देखो तो इसमें दो क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दिए जिससे आप मैग्निफिकेशन को पहचान सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट से उसके, एंड सेकेंडली उसके मैग्निफिकेशन से। गौर में रखने वाली चीजें यह है कि उनका कुछ फॉर्मूला होना जरूरी है, एंड दैट फॉर्मूला इज मैग्निफिकेशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोग ये लिख सकते हो, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे आपका हाइट ऑफ इमेज कितना है, एच आई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एच ओ है, राइट। तो इन दोनों का रिलेशन से आपको मिल जाए मैग्निफिकेशन। और एल्स एक और फॉर्मूला है, दैट इज एम इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। प्लीज इसमें ध्यान रखना कि इसमें माइनस आता है, लेंस वाला भी फॉर्मूला आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा जब आप लोग मैग्निफिकेशन के बारे में बात करो, बट उसमें माइनस नहीं आएगा। रीजन बीइंग यहां पे जो माइनस है, आपको जो आंसर में मिलेगा माइनस, वो आपको बताया कि इमेज जो है वो रियल है या फिर वर्चुअल है। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसके फॉर्मूला को तब तक आप नोट कर सकते हो कि इसके दो फॉर्मूलाज है कि एक m इज इक्वल्स टू v माइनस u और एक है h i अपॉन h o। क्या मैं ये दोनों फॉर्मूलाज को देखते हुए क्या मैं एक नया फॉर्मूला कुछ बना सकता हूं इनसे, बिकॉज देखो इसका भी LHS सेम है, इसका भी LHS सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं h i अपॉन h o इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ये आप ज्यादातर यूज करोगे जब आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस से मेरा बोलना का मतलब ये है जिसमें आपको मैग्निफिकेशन डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इमेज डिस्टेंस है, तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। मतलब वो चारों में से कोई एक चीज अगर मिसिंग है तो आप निकाल सकते हो। एम निकालने की जरूरत नहीं है, एम निकाल के भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि इतना पार्ट कि एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब चीजें सच में बोलो बाउंसर जाती होगी अब तक, ठीक है। आप ऐसे खड़े हो और मैंने जो बोला मजा आया, अच्छा लगा सुनने में, लेकिन ऐसा आया टप से इधर से निकल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने न्यूमेरिकल अभी तक सॉल्व नहीं किया। न्यूमेरिकल का भी लेक्चर बहुत जल्दी आ रहा है विद मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स दोनों साथ में करेंगे तो रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैं बोल रहा था टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, ठीक है सर, वो भी बता दो थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं। चलो कुछ एक टेबल बनाते हैं हम लोग मैग्निफाइड के लिए। अभी हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि अगर एच के हिसाब से जाए, अगर हम लोग अगर इफ इफ एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, तो मुझे बताओ, आप लोग थोड़ा सोच के बताओ कि एच आई अपन एच ओ अगर मैं लेता हूं तो मेरा जो एम का वैल्यू है, ओके, मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ एम का वैल्यू, ठीक है, माइनस प्लस हम लोग नहीं देखेंगे अभी, बिकॉज ना वो इन्वर्टेड और सीधा होने में ना साइन का फर्क होता है, तो हम लोग वो नहीं देखेंगे। मॉड एम मतलब क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे हम लोग, मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आएगा, क्या वो ग्रेटर देन वन होगा या फिर लेस देन वन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या वो ग्रेटर देन वन होगा या लेस देन वन होगा। अब इतना इजी मैथमेटिक्स आप सबको आता है, इट शुड बी ग्रेटर देन वन, क्योंकि देखो एच आई ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर वाले का कम है,
तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो 1 से ग्रेटर होगा, भले वो 1 ही क्यों ना हो, 1 या 1.1 क्यों ना हो, ग्रेटर होगा, ठीक है। चलो तो ये फर्स्ट वाला है, हर टाइम जब आपका m ओके जब ग्रेटर देन 1 आता है, मॉड ऑफ m ग्रेटर देन, भले वो -1 आए, -2 आए, -3, 4, 5 कुछ भी आए, माइनस नहीं देखना आपको, सिर्फ वैल्यू देखना है ये 1 से ज्यादा है या नहीं, तब इसे बोलोगे आपकी मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है। बिकॉज आप जब माइनस वगैरह देखने लग जाओगे ना तो उसमें वो इन्वर्टेड है या नहीं ये वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं अभी सिर्फ मैग्नीफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसका वैल्यूज अगर समझो m इज इक्वल्स टू -3 भी दिया है फिर भी वो मैग्नीफाइड है। आप बोलना मत सर ये तो 1 से लेस है, माइनस नहीं देखना है आपको, आपको मॉड ऑफ m देखना है कि मॉड ऑफ m शुड बी ग्रेटर देन 1 तो वो मैग्नीफाइड हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसे रियल लाइफ में भी हम लोग मतलब अप्लाई करके देखेंगे ओके धीरे धीरे। अगर एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ है तो सर, अगर एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ है तो, अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, एक केस देखा था ना हम लोग ने जब दोनों सेम थे, तब क्या हो जाएगा कि आपका मॉड ऑफ m जो हो जाएगा वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम है तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, डिमिनिश्ड होगा या सेम साइज होगा, तो यहाँ पे याद रखना है सेम साइज होगा, सेम साइज होगा ओके। वो डायग्राम जो 6 बनाए ना उसके ऊपर ही आपका पूरा का पूरा सम सॉल्व हो जाएगा आराम से, इजिएस्ट वे। समझो एच ओ इज ग्रेटर देन एच ओ, मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है बड़ा है, इमेज छोटा है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो मॉड ऑफ m आएगा ओके वो ना फ्रैक्शंस में आएगा, बिकॉज देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ना 0 point something ओके ऐसा कुछ आएगा। जब भी वो ऐसा वैल्यू आ जाएगा इट विल बी लेस देन 1, माइनस प्लस नहीं देखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ मॉड ऑफ वन m देखना है। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग, इट विल बी डिमिनिश्ड इमेज। अब एकदम ईजी हो गया आपके लिए कि आप कैसे फाइंड आउट करो कोई चीज का मैग्नीफाइड इमेज आ रहा है या डिमिनिश्ड इमेज आ रहा है, सिंपल सी चीज है। चलो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऐसा ना सिर्फ बोली बोली में नहीं समझ में आता है। लेट अस कंसीडर कि किसी चीज का हाइट है एच आई इज अराउंड 10 centimeter, किसी चीज का न्यूमेरिकल नहीं ले रहा हूँ, रफली हम लोग देख रहे हैं, और उसका एच ओ जो है वो 5 centimeter है ओके। अब मैं लिखता हूँ -5 centimeter, सर ये क्यों लिखा, -5 का मतलब क्या? देखो साइन कन्वेंशंस के हिसाब से, अगर कोई चीज ना नीचे के डायरेक्शन में है तो उसे नेगेटिव लिखते हैं। इसका भी लेक्चर बहुत जल्दी आना है जिसमें हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर कोई चीज ऊपर की तरफ है, हाइट अपवर्ड है, तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव अपवर्ड्स, नेगेटिव डाउनवर्ड्स, मतलब एच ओ जो है, अगर मैं इसके हिसाब से छोटू का डायग्राम बनाऊं तो एक छोटा सा बना लेते हैं हम लोग डायग्राम। लेट अस कंसीडर कि एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहां से ट्रेन जाने वाली है, वैसे वाले हाँ समझो एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये माइनस था ना ओके, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टा है, उल्टा लटका हुआ है। क्या ये स्पाइडरमैन है? पता नहीं ओके। लेट अस कंसीडर ये उल्टा लटका हुआ है ओके। तो इसके लिए इसका जो हाइट लिया है ये 5 centimeter का, एक्चुअली में ये 5 centimeter का है, लेकिन -5 लिखा है बिकॉज वो डाउनवर्ड के डायरेक्शन में है। कंसिडर कर रहा है, ऐसा होगा नहीं, कंसिडर कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो मिरर है जिसमें उसका इमेज जो बन रहा है ना वो बहुत ही मस्त सा बड़ा सा इमेज बन रहा है, और वो यहाँ पे बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, और उसका जो इमेज बन रहा है वो 10 centimeter का बन। अब इस केस में अगर आप देखो, तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा है ओके। ये इमेज है बाय द वे, आप देखो एच आई और एच ओ पे ध्यान दिया करो, दिस इज ऑब्जेक्ट ओके। तो ये मैग्नीफाइड हुआ है या नहीं, अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे सर हाँ मैग्नीफाइड तो हुआ है, कैसे? m के वैल्यू से, m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, राइट। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एच आई जो है 10 centimeter है, एच ओ जो है -5 centimeter है। प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, सिर्फ वो ट्रिक के लिए आप मॉड लोगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मैग्नीफिकेशन का, वैल्यू आ जाएगा -2। हाँ इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर सर, एकदम इजी है, रॉन्ग है, क्यों? बिकॉज सेम चीज का रेशियो है तो ये यूनिटलेस होता है, तो इसको याद रखना इट इज यूनिटलेस, ये यूनिटलेस होता है, ठीक है। ये चीज याद रख लेना कि ये यूनिटलेस होता है, बट मेरा मेन फोकस तो -2 पे है। ये -2 क्या बता रहा है, -2 मुझे बता रहा है कि ये मैग्नीफाइड है। अब बोले सर पागल है, ना सर पागल है, क्यों क्यों पागल है सर? क्योंकि सर ने बोला था ये लेस देन, अगर ग्रेटर देन 1 आएगा तो ही मैग्नीफाइड होता है। मैंने बोला था मॉड ऑफ m चेक करना, अगर चेक करना मैग्नीफाइड है या नहीं,
तो मॉड ऑफ एम कितना आ जाएगा इसका, इसका मॉड ऑफ एम अगर लू मैं, मॉड ऑफ एम का मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर सिर्फ देखो तो दैट इज इक्वल्स टू टू ना, एंड दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन वन. तो ये मैग्निफाइड है. देखो थ्योरेटिकली भी सही हो गया, न्यूमेरिकली भी सही हो गया, राइट. तो ये मैग्निफाइड हो गया. डिमिनिश्ड में हमेशा 0.25 0.5 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा आपको, मतलब ऊपर 5 होगा नीचे 10, 0.5 आ जाएगा, ऊपर 2 होगा नीचे 5, कुछ ऐसे वैल्यूज आएंगे. तो उसका मतलब क्या होगा, आपका जो भी वैल्यू आएगा वो डेसिमल्स में आएगा. तो समझ जाना वहां पे क्या होगा, आपका डिमिनिश्ड में जाएगा. सो दिस इज क्वाइट क्लियर कि मैग्निफिकेशन में क्यों मैंने बोला मॉड ऑफ वाला ट्रिक लेके आप कर सकते हो, जिससे आपको समझ में आएगा कि कोई चीज मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है. तो ये पार्ट आपको क्लियर है, राइट. चलिए यहां का भी पार्ट क्लियर है. अब वो जो सेकंड वाला फॉर्मूला वाला भी आप अप्लाई कर सकते हो कि m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू. ओके, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू. यहाँ पे एक्चुअली कितना दूर है उस पर डिपेंडेंट है. ये एक्चुअली मैं आपको न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं इसका एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि उससे भी कैसे आप लोग फाइंड आउट करें कि मैग्निफाइड है या नहीं, ठीक है. तो वो टोटली डिपेंड होगा किस पे, वी और यू पे. अब बच्चों को पता नहीं होगा सर एच आई क्या होता है, एच ओ क्या होता है, वी क्या होता है, यू क्या होता है. तो आप लोग साइड में यहाँ पे लिख सकते हो इसके स्टेटमेंट्स में, ओके, कि एच आई आपका हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. और आपका जो वी है दैट इज द इमेज डिस्टेंस, दैट इज द इमेज डिस्टेंस, मतलब आपका डिस्टेंस इमेज का कितना दूर है मिरर से. एंड यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये चार चीज आपको बताना चाहिए जब भी आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को पढ़ो, ओके. तो ये चीज याद रख लेना कि आपको फॉर्मूला दो याद रखने हैं, एक m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, ओके, ये वाला एक याद रखना है आपको. और सेकंड वाला कौन सा याद करना है सर, ये वाला एक याद करना है, दैट इज दिस वन. ये दो फॉर्मूला अगर आपको पता है, अगर दोनों को साथ में यूज कर दो तो मैग्निफिकेशन वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा. तो आई होप आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको समझी होगी, ओके. अगर समझी है तो नोट्स बना लो उसके. नेक्स्ट वीडियो, ये प्लेलिस्ट बहुत लंबी होने वाली है लाइट वाली, तो आप लोग इसके एक एक करके हर एक चीज देखो. आपके एनसीईआरटी ने जितनी चीजें कवर नहीं की है उससे ज्यादा चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा डिटेल में. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय ब्रदर साइनिंग ऑफ, बाय बाय.